सुप्रभात प्यारे प्रदेशवासियों, तो मौजूद हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताज़ा खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों के सिलसिले को शुरू करें, आपसे निवेदन है चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो पेश हैं सुबह के मुख्य समाचार। डोगरा रेजिमेंट के जवानों ने ज्वालामुखी मंदिर में भेंट की पीतल के शेरों की जोड़ी। शक्तिपीठ ज्वालामुखी मंदिर में पिछले कल भारतीय सेना की डोगरा रेजिमेंट की 20वीं बटालियन के समस्त अधिकारियों और जवानों ने पीतल धातु से बने शेरों की जोड़ी भेंट की। करीब 400 किलो पीतल से बनी शेरों की इस जोड़ी को मंदिर की यज्ञशाला के समीप स्मृति चिन्ह के रूप में स्थापित किया गया। अनोखी शादी संविधान को साक्षी मानकर परिणय सूत्र में बंधा जोड़ा, पूरे क्षेत्र में चर्चा। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के गिरिपार क्षेत्र की धमोन सालवाला गांव में एक युवा जोड़ा अनूठे तरीके से शादी के बंधन में बंधा। क्षेत्र के शिक्षक प्रवेश भारत और निशा ने एक नई पहल की है। इसमें बिना पंडित के संविधान को साक्षी मानकर विवाह की रस्में निभाई गई। यह अनोखा विवाह समूचे जनपद में चर्चा का विषय बन गया है। इस विवाह में बिना ब्राह्मण और बिना वैदिक मंत्रों के ही स्थानीय रीति रिवाजों को निभाया गया। स्थानीय निवासी भीम सिंह ने बताया कि दूल्हा प्रवेश भारत और एक शिक्षित व सरकारी नौकरी कार्यरत युवा है। युवा का कहना है कि विवाह दो दिलों का मेल है। भजन कीर्तन से हटाया प्रतिबंध, शूलिनी माता मंदिर प्रांगण में लगी रोक 3 दिन के भीतर हटाई। शूलिनी माता मंदिर प्रांगण में जिला प्रशासन द्वारा भजन कीर्तन पर लगाए गए प्रतिबंध को हटा दिया गया है। लाखों लोगों की आस्था का केंद्र शूलिनी माँ मंदिर में सोलन प्रशासन ने 3 दिन पूर्व कीर्तन करने पर रोक लगा दी थी। मंदिर में कई दशकों से कीर्तन चल रहा था। प्रशासन के इस निर्णय के खिलाफ लोग लामबंद हो गए थे तथा विभिन्न सामाजिक व हिंदू संगठनों ने इसका पुरजोर विरोध करना भी शुरू कर दिया था। अनुराग ठाकुर बोले, विपक्ष के अधिकतर नेता भ्रष्टाचार में डूबे, पीएम की कुर्सी पर सबकी नजर। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण तथा युवा सेवाएं एवं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि देश में विपक्ष के अधिकतर नेता भ्रष्टाचार में डूबे हैं। इन नेताओं ने सत्ता को हथियाने के लिए महागठबंधन बनाने का प्रयास किया, लेकिन उनका यह हथियार काम नहीं आया। कहा कि जब ये नेता एक मंच पर एकत्रित होते हैं तो उनकी नज़र प्रधानमंत्री की कुर्सी पर होती है। इसके बावजूद विपक्ष को पीएम की कुर्सी नसीब नहीं होने वाली है और बिना थके और रुके 22 साल देश की निरंतर सेवा करने वाले नरेंद्र मोदी 300 से अधिक सीटों की जीत के साथ फिर से देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। अनुराग ठाकुर अपने शिमला प्रवास के दौरान गेटी थिएटर में आयोजित रोजगार मेले के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस रोजगार मेले से वर्चुअली तौर पर जुड़े। इस दौरान हिमाचल प्रदेश के 561 युवाओं को सरकारी क्षेत्र में रोजगार दिया गया। भवन गिराकर खाली करवाएं जमीन, हाईकोर्ट सख्त, दोषी से वसूला जाएगा गिराने का पूरा खर्चा। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने नियमों के विपरीत निर्माण किए जाने को गंभीरता से लिया है। अदालत ने शिमला के कुसुमपट्टी में अवैध भवन निर्माण को तुरंत गिराने के आदेश दिए हैं। अदालत ने अपने आदेशों में स्पष्ट किया कि अवैध निर्माण गिराने का पूरा खर्चा दोषी से वसूला जाएगा। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह की खंडपीठ ने जिला प्रशासन को उचित सहायता मुहैया करवाने का जिम्मा सौंपा है। अदालत ने अपने आदेशों की अनुपालना रिपोर्ट 22 मई को तलब की है। उदित पवार के मुख्य न्यायाधीश के नाम लिखे पत्र पर हाईकोर्ट ने जनहित में याचिका दर्ज की है। पत्र में आरोप लगाया गया है कि कुसुमपट्टी निवासी ने सरकारी जमीन पर निर्माण किया है। आरोप लगाया गया है कि इसके लिए कोई स्वीकृति नहीं ली गई है। बिजली बोर्ड को निजी हाथों में देने की तैयारी, HPSEB एम्प्लॉयज यूनियन के अधिवेशन में केंद्र सरकार पर जड़े आरोप। प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एम्प्लॉयज यूनियन का जिला स्तरीय अधिवेशन बसंत रिजोर्ट हमीरपुर में यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष कामेश्वर शर्मा की अध्यक्षता में हुआ। इस अवसर पर यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष ने केंद्र की RDS योजना के तहत की जा रही स्मार्ट मीटरिंग पर गंभीर प्रश्न उठाते हुए कहा कि इसमें रखे गए लक्ष्य व शर्तें प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियों में व्यवहारिक नहीं है और केंद्र सरकार की शर्त के अनुसार लक्ष्यों के प्राप्त न होने पर इसमें दी जा रही ग्रांट लोन में बदली जाएगी। यूनियन ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है कि वो राज्य की खराब वित्तीय हालात देखते हुए केंद्रीय ग्रांट का लालच देकर बिजली वितरण प्रणाली में सुधार के नाम पर स्मार्ट मीटरिंग के माध्यम से देश के बड़े निजी कॉरपोरेट को बिजली वितरण कंपनी में प्रवेश कराना चाहती है। वहीं इस योजना के अंतर्गत स्मार्ट मीटर के रखरखाव का कार्य पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन पर करना प्रस्तावित है। वहीं इसके डाटा ग्रहण का कार्य इसके अतिरिक्त किसी तीसरी निजी संस्था देखेगी।
प्रोफेशनल कोर्स को 1% ब्याज दर पर लोन देगी हिमाचल सरकार, कैबिनेट में आएगी योजना। हिमाचल सरकार गरीब घरों के बच्चों को प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए 1% ब्याज दर पर लोन उपलब्ध करवाएगी। 200 करोड़ की इस योजना को मुख्यमंत्री के नाम पर शुरू किया जा रहा है। वहीं आज होने वाली कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना पर फैसला हो सकता है। इस योजना के तहत 200 करोड़ का एक फंड तैयार किया जा रहा है जो राज्य सरकार के अपने बजट से होगा। इस फंड के माध्यम से गरीब बच्चों को इंजीनियरिंग, मेडिकल, MBA, PhD, ITI और पॉलिटेक्निक के कोर्स के साथ बी फार्मेसी और नर्सिंग इत्यादि प्रोफेशनल कोर्सों के मामले में वित्तीय सहायता दी जाएगी। वहीं इसमें राज्य सरकार सिर्फ 1% ब्याज लगाएगी। योजना का उद्देश्य यह है कि पैसों की कमी से कोई भी मेधावी गरीब बच्चा उच्च शिक्षा से वंचित न रहे। इस पैसे को लौटाने के लिए भी गरीब परिवारों को राहत वाली स्कीम दी जाएगी। इसका फैसला कैबिनेट में ही होगा। पहले पुरानी पेंशन दी, बाद में महिलाओं को 1500 रुपये, CM बोले सरकार ने पूरी की दो गारंटियां। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मशोबरा में आयोजित 2 दिवसीय जिला स्तरीय सीपुर मेले के समापन समारोह की अध्यक्षता करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार ग्रामीण क्षेत्रों की आवश्यकताओं से भलीभांति परिचित है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए शीघ्र ही एक नई योजना शुरू करेंगी। कहा कि कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा चुनावों के दौरान सरकार द्वारा दूध उत्पादकों से 10 लीटर गाय का दूध 80 रुपये प्रति लीटर तथा भैंस का दूध 100 रुपये प्रति लीटर प्रतिदिन खरीदने का वादा किया था और सरकार इस योजना को धरातल पर उतारने की दिशा में ठोस कदम उठा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने 1.36 लाख NPS कर्मचारियों को पुरानी पेंशन प्रदान कर कांग्रेस प्रतिज्ञा पत्र की पहली गारंटी को अपनी पहली ही मंत्रिमंडल बैठक में पूरा किया। कैबिनेट बैठक में शिक्षकों की भर्ती पर हो सकता है फैसला। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक आज बुलाई गई है। यह बैठक 17 मई को 3 बजे के बाद हिमाचल प्रदेश सचिवालय शिखर सम्मेलन हॉल शिमला में बुलाई गई है। इस बैठक में विभिन्न श्रेणियों के शिक्षकों की भर्ती करने के बारे में फैसला हो सकता है। इसके अलावा इस बैठक में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की बजट घोषणाओं को लागू करने के संबंध में भी मंजूरी मिल सकती है। वहीं बैठक में विभिन्न विभागों से संबंधित एजेंडे चर्चा के लिए जाएंगे। इनमें विभिन्न पदों की रिक्तियों को भरने से संबंधित निर्णय भी होंगे। NPS शेयर कटने का स्थाने लगा डर, बिजली बोर्ड में ओल्ड पेंशन बहाल न होने से कर्मचारी टेंशन में। बिजली बोर्ड में ओल्ड पेंशन बहाल नहीं हो पाई है और उसके साथ ही कर्मचारियों को अब इस महीने में NPS शेयर कटने का डर सता रहा है। दरअसल बिजली बोर्ड में वेतन 20 मई के बाद बनना शुरू हो जाएगा और इसके लिए अब 4 दिन ही बाकी हैं। इन 4 दिन में ओल्ड पेंशन बहाली का फरमान जारी नहीं हुआ तो बिजली बोर्ड कर्मचारियों का मई महीने का शेयर भी NPS में ही जाएगा, जबकि राज्य सरकार तमाम विभागों के लिए ओल्ड पेंशन बहाली का ऐलान पहले ही कर चुकी है और इस दिशा में कर्मचारी विभाग अध्यक्षों के पास ओल्ड पेंशन के विकल्प के संबंध में शब्द पत्र भी जमा करवा रहे हैं। वहीं NPS में कर्मचारियों का शेयर भी रोक दिया गया है। तो ये है आज सुबह के मुख्य समाचार। तो प्रदेश की ताज़ा खबरों को पाने के लिए चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।